गिंडक नदी के पास आराम कर रहा था। बाढ़ से परेशान एक बिच्छू रोते हुए आया। मेंढक बोला, पर तूने मुझे काट लिया तो? बिच्छू बोला, अरे तू मैड है क्या? अगर मैं तेरे को काटा तो हम दोनों डूब जाएंगे। मेंढक ने बिच्छू को अपने पेट पे बिठाया। अभी मेरे को क्या? पर तैरते तैरते वो जैसे ही नदी के बीच में पहुंचे, हमजा कहाँ है? बिच्छू ने मेंढक को काट लिया। बिच्छू बोला, काटना मेरी फितरत है। बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट इन दिनों चर्चा में हैं। वह जल्द ही ओटीटी पर फिल्म डार्लिंग्स में नजर आएंगी। इस फिल्म की घोषणा काफी पहले हुई थी और आज इसका टीजर रिलीज कर दिया गया है। आलिया ने एक दिन पहले सोशल मीडिया पर टीजर आने की जानकारी दी थी। 1 मिनट 30 सेकंड का ये टीजर सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर है। इसमें मेंढक और बिच्छू की कहानी के माध्यम से दर्शकों को रोमांचित करने की कोशिश की है। आलिया भट्ट ने खुद टीजर शेयर किया है और कुछ ही देर में यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस फिल्म के लिए शाहरुख खान और आलिया भट्ट साथ आए हैं। शाहरुख की कंपनी रेड चिलीज इसे प्रोड्यूस कर रही है। शाहरुख फिल्म में बतौर एक्टर नहीं बल्कि एक निर्माता के तौर पर इससे जुड़े हैं। साथ ही आलिया भट्ट भी डार्लिंग्स की को प्रोड्यूसर हैं। आलिया भट्ट के अलावा शेफाली शाह, विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू इस फिल्म में नजर आएंगे। डार्लिंग्स सिनेमाघरों की बजाय डायरेक्ट ओटीटी पर यानी नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। फिल्म डार्लिंग्स एक माम बेटी की कहानी है जो कुछ हटकर नजर आ रही है। इस टीजर में आलिया भट्ट कभी एक छोटी बच्ची की तरह हंसती खिलखिलाती दिखती हैं, तो कभी वह सीरियस और गुस्से में। टीजर से साफ है कि आलिया के कैरेक्टर में अलग अलग कई लेयर्स हैं जो यकीनन हैरान करने वाले लग रहे हैं। यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 5 अगस्त को रिलीज हो रही है।